शिकारी जंगल से जा रही है, अपने उस कारावास के रहस्य से निकल करके जंगल की तरफ जा रही है, लेकिन किनकी खातिर? एक पुत्र की खातिर। लेकिन एक विद्वान का कह रहा है कि इस संसार में सबसे बैरी कौन है? सबसे बैरी होता है तो यज्ञपति महाराज बेटा होता है, ये विद्वान का मत है। मैं नहीं कह रहा, विद्वान कह रहा है कि जन्मत ही दारा हरि तरुण भय पे भौन और वृद्ध भय पे धनु हरे सुतते बैरी कौन है? कौन जन्मत ही दारा हरि। दारा कहते हैं औरत ते, जब शादी कर दी जाते हैं तो पति पत्नी में बेटा पप्पू क्या परसेंट प्यार होता है? 100% होता है कि ना होता? और जब वो पत्नी एक बच्चे की मां बन जाती है और आधा प्यार उस बच्चे की तरफ चला जाता है, अब क्या रहेगा? 50 है। अब बच्चा पढ़ाओ लिखाओ, योग्यवान शास्त्रवान बनाओ, बनाए के जब ब्याह शादी करी तो अब बड़े बूढ़े भाई यज्ञपति बारे हत गए, और यहां हमारे नेपाल दादाजी बैठे कहां ऐसे है गए, इतने बड़े बूढ़े है गए, सो डोकरी तो घर में रहे, तो खेत पैते गए तो डोकरी खोके आए कि बड़ी सुन जंत रहा हूं जो बहु बेटी आगो घर हुआ तुम जेल में घुसे चले आओ खांसी मटा रहे क्या करो डोकर पीछे के पीछे सरक आए नहीं बहु बेटी आगो घर हुआ अब नहीं। जन्मत ही दारा हरि तरुण भय पे भौन, भौन कहता है आंगन ते, आंगन छूट गो किनको जाने, 3 मंजिल कोठी बना के तैयार करी, सारो जीवन जाय जीवन में निकाल दो पर, हाय मेरे बेटा है, हाय मेरे बेटा है, हैं? होता बेटा के लिए टुकड़िया खोके आगे पड़ रही है घर में, हैं? कहां से मटार के आकर जा घर में आकर हो तो, हैं? भीतर ना जान दे, खाट रात दे जा पल्लंग को खेत पे, और वृद्ध भय पे धनु हरे। अब ज्यादा बड़े बूढ़े भय तो हमारे यज्ञपति महाराज ने कही जिन में तो ठसका है खैर ज्यादा, जिनने कही कि लला आव तो हम बड़े बूढ़े है गए, ले जो मालकी की चाबी है तुम ही रखो। अब सभी मालकी की चाबी किने दे दी के बालकन ने, हैं? जन्मत ही दारा हरि तरुण भय पे भौन और वृद्ध भय पे धनु हरो, और धनु का मालकी की चाबी हतकाई सब दे दी, हैं? अब बड़े बूढ़े है गए, वृंदावन जावे को मन कर रो, जेब में चूचू का बच्चा ना आए, गायते चले जाए वृंदावन, सुतते बैरी कौन? ता बेटा के नहीं, कितनी कोशिश करी, हमें 4 है गए चाहे 5 है गए चाहे 6 है गए, हैं? और तिनके लिए सारा जीवन अर्पण कर दो, लेकिन बे जब जवान भय तो बिन्ने का कर्म करो कि बाप की खटिया हथकाय से खेत बैठा दी, यहां डरो रहे तेले दो रोटी आ जाए, हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बैरी हो कौन होता है? का पुत्र, ध्यान रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज वही मेहतारी सुनीति वहां से चली है कहां मरने के लिए, क्या होना चाहिए अंदर
पहले अंदर डालो कछु। कल ते हम तुम्हें बता रहे हैं कि पहले तो जा झाड़ियों तरवाओ, आज शाम को ही चले जाइयो यहाँ पे। बिल्कुल आज शाम को हम तुम्हें भेज देंगे, जा झाड़ियों तरवा के हम सुख भी इतनी कह देंगे भैया कैसे हाथ जोड़ के जी झाड़ी करनी चाहिए आज। बिल्कुल मोटरसाइकिल रखी है हमारे चैनल भाई भैया की, और कछु क्षमता रखो अपने दिल में, खेच के बोलो घर तो बैठे हो बैठन दो। अरे वो आज बैठा है तो कल अवश्य खुलेगा, मर रखो दूध करवा दे, दूध पियो पीले लेकिन क्षमता रखो शरीर में। तो एक सर्प की बावी पर जाकर के खड़ी हुई, रात्रि का समय था, जब आवाज हुई है पैरों की तो वो सर्प बाहर निकल करके आया। सुनीति ने समझा कि आज परमात्मा ने मेरे लिए मौत भेज दी, सही उंगली बढ़ा दी। अरे सर्प मेरे संकट को बांटो, बिगाड़ा तो सुना है, मैं तो वैसे ही पाप का भागी हूं तो इसी ओनी में आकर के पड़ा हूं। लेकिन वो एक बात बता दे, आधी रात के वक्त में तुम यहां करिका रही हो और तुम को तो क्या बोली है सुनीति बेटा जितेंद्र? I'm
उतने शब्द कहे। उत्तानपाद महाराज की धर्मपत्नी हूं, मनु जो पिता है वो मेरे ससुर हैं, सुनीति मेरा नाम है और घर में कोई संतान नहीं हुई मेरे कोख से, इसीलिए मैं जंगल में मरने के लिए। सर्प ने कही जी काम मुंह पे ना है पावे हो, इतनी कह के बिल में घुस गाओ। सुनीति आगे बढ़ गई, आवाज नहीं निकली। आधी रात का वक्त था, नारद बाबा बीड़ा को बजाते हुए, देवसी नारद और जाखन आए। सो रोने की आवाज सुनिए, कौन? सुनीत की बाबा मैं बेटा, तुम आधी रात के वक्त में तुम कर का रही हो ना? बाबा कछु ना है, मैं दुख की मारी। क्यों, कोई बात है? हाँ बाबा बात है। का? मेरी कोख से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, मेरी सौतेली बहन है मुझे नाना प्रकार से कष्ट दे रही है, वो कष्ट अब सहन नहीं हो रहे मेरे से, तासु में मरवे आ गया। बेटा अगर तुम्हें तीन बात ने ध्यान में रख ले,